यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी आज गौतम बुद्ध नगर लोकसभा के झाझर में पहुंचे। वहां पर उन्होंने कहा कि फैमिली नहीं नेशन होता है फर्स्ट, और मंच से विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम योगी और माफियाओं को लेकर कही बड़ी बात। देखें योगी आदित्यनाथ जी का पूरा भाषण। बहनों और भाइयों, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, ये सिकंदराबाद सबसे नजदीक है जेवर के, और जेवर में बन रहा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आपके सामने एक उदाहरण है। बहन और भाइयों, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आपके पास बन रहा है, इसका सर्वाधिक लाभ तो सिकंदराबाद और जेवर को ही होने जा रहा है। यही लोग सबसे ज्यादा लाभ भी लेंगे। हां, अर्थव्यवस्था प्रदेश और देश की इसके माध्यम से सुदृढ़ होने वाली है। 12 लेन और 6 लेन के 8 लेन के हाईवे बने, रैपिड रेल की सुविधा हम देने जा रहे हैं, मेट्रो आ रही है। बहनों और भाइयों, रेल की कनेक्टिविटी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन दादरी में हमारे विधायक बैठे हैं, इन्हीं की विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर महेश शर्मा जी के इसी क्षेत्र में, इसका भी लॉजिस्टिक का सबसे बड़ा केंद्र, देश का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है, जहां लाखों नौकरियां निकलने वाली हैं। बहनों और भाइयों, ये पहले दुनिया के अंदर इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता था, लेकिन आज सौभाग्य से ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास मौजूद है, या बनने जा रहा है या बन रहा है। आप आज एक नए भारत में हैं। जो लोग 2014 के चुनाव के साक्षी हैं, वे लोग इस बात को जानते होंगे 2014 में कैसा भारत हमें प्राप्त हुआ था। उनका यह दायित्व बनता है कि वे अपनी वर्तमान पीढ़ी को बताएं भी, जो नवोदित मतदाता है उनको भी बताएं कि 2014 में एक ऐसा भारत था जिसमें परस्पर अविश्वास था, लोगों के मन में आक्रोश था, लोग इस बात के लिए आशंकित थे कि क्या होगा हमारे भारत का। दुनिया में सम्मान घट चुका था, सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, देश के अंदर कहीं आतंकवाद, कहीं नक्सलवाद, कहीं अलगाववाद सिर चढ़ करके बोल रहा था, विकास के कार्य ठप पड़ चुके थे, देश की सभी संस्थाओं में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका था, युवा निराश था, किसान आत्महत्या कर रहा था, महिलाएं असुरक्षित थी, और गरीब कल्याणकारी योजनाओं पे डकैती पड़ रही थी। बहनों और भाइयों, हमने बदलते हुए भारत को देखा है। 10 वर्ष में दुनिया में सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, नक्सलवाद और आतंकवाद की समस्या का समाधान हुआ है। हमारे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के समय से हमारे पदाधिकारी नारा लगाते थे कि जिस जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। लेकिन बहनों और भाइयों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान कश्मीर में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हुआ था, और कांग्रेस ने समस्या दी थी जिसने आतंकवाद फैलाया, न जम्मू कश्मीर में न केवल, बल्कि पूरे देश को आतंकवाद की चपेट में ला दिया। रोज विस्फोट होते थे, निर्दोष लोग मरते थे, व्यापारी तबाह होता था, परिवार के परिवार तबाह हो जाते थे, और एक कांग्रेस के लोग तमाशबीन बने रहते थे। एक भी बार ये लोग आतंकवाद के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं थे। और बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे
कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो गई। महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने के लिए 3 तलाक की कुप्रथा समाप्त हो गई। और कल आपने अयोध्या में देखा होगा, 500 वर्षों के बाद रामलला को भी अपनी जन्मोत्सव को आयोजन को अपनी जन्मभूमि पर मनाने का अवसर प्राप्त हो गया। और सूर्यवंशी राम को भगवान सूर्य की किरणों ने तिलक करते हुए अभिषेक करते हुए भी आपने देखा होगा, संपूर्ण सनातन भारत आलोकित हो रहा था, उस आभा से आलोकित हो रहा था। बहनों और भाइयों, ये जो सम्मान और गौरव है, ये सुरक्षा है, ये जो समृद्धि है, ये जो गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और जो ये सम्मान भारत को मिल रहा है, इसका श्रेय केवल और केवल और केवल किसी एक व्यक्ति को और किसी एक महामना को जाना चाहिए। वह नाम है श्री नरेंद्र मोदी का। मोदी जी के नेतृत्व में यह सब हुआ है और इसीलिए हम लोग आए हैं आपके पास कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में जो नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं, इस नए भारत को आत्मनिर्भर भारत, इस नए भारत को विकसित भारत और इस नए भारत को ग्लोबल लीडर भारत के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए तीसरी बार मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनना आवश्यक है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये अयोध्या में जो आपने देखा है, सूर्यवंशी राम को भगवान सूर्य भुवन भास्कर के किरण से उनका तिलक होते हुए देखा होगा आपने, तो यह कार्य क्या कांग्रेस और सपा बसपा के लोग करते क्या? ये काम ये कर पाते क्या? अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्या ये लोग कर पाते क्या? कश्मीर में धारा 370 ये लोग हटा पाते क्या? और बहनों और भाइयों, 3 तलाक की कुप्रथा को ये लोग रोक पाते? ये लोग तो कर्फ्यू वाले लोग हैं, इन लोगों ने कर्फ्यू लगा दिया। महीनों महीनों दंगा होता था, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थी। आज हमारे प्रदेश में कर्फ्यू नहीं है, आज तो शानदार तरीके से कावड़ यात्रा निकलती है। कावड़ यात्रा अंतर स्पष्ट है, फर्क साफ है। वे दंगा कराते थे, हमने कहा भी नहीं, सामान्य प्रदेशवासियों के लिए अयोध्या में रामलला होंगे और माफिया और अपराधी के लिए राम नाम सत्य है कि यात्रा के रास्ते भी खुले होंगे। बहनों और भाइयों, वे दंगा करा करके प्रदेश को अस्त व्यस्त करते थे। हम लोगों ने कहा नहीं भाई, दंगा पॉलिसी नहीं चलेगी, विकास की पॉलिसी चलेगी, विकास की। और आज इसी विकास के लिए हम लोग आपके पास आए हैं, नौजवान की आजीविका के लिए, आम नागरिक की आस्था के लिए, व्यापारी और बेटी की सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और गौतम बुद्ध नगर सीट पर तीसरी बार डॉक्टर महेश शर्मा जी सांसद बनकर के चुन करके जाएं, इसी के लिए अपील करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, बड़े उद्देश्य के लिए हमें स्थानीय उन विवादों को समाधान करना होगा। चुनाव में लोग आएंगे, तमाम प्रकार के लोग आएंगे, कोई जाति का सहारा लेगा, कोई क्षेत्र का सहारा लेगा, कोई तमाम अन्य सहारा लेगा। उस समय सबसे कहना कि भाई देखो, चुनाव के बाद आ जाना, आज तो हमारे पास एक ही कार्य है और वह है एक राष्ट्रवादी और विकास परक सोच वाली हमें सरकार चाहिए, और सरकार केवल मोदी जी दे सकते हैं। वह केवल कमल के फूल से ही संभव हो पाएगा। हमें कमल के फूल के बारे में सोचना है
और कमल के फूल के लिए ही आप सबसे अपील करने के लिए आज मैं यहां पर सिकंदराबाद में मैं आया हूं।